हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो यार, आज दी वीडियो दे विच मैं बना रहा हूं बाबा दीप सिंह जी दी पेंटिंग अक्रैलिक पेंट दे नाल कैनवस दे उपर। ते ये मेरी सेकंड अक्रैलिक पेंटिंग आ, फर्स्ट पेंटिंग मैं बनाई है, तुसी वीडियो देख सकते हो। तो पहला जिहड़ी मैं वीडियो अपलोड की थी, वो भी अक्रैलिक पेंटिंग सी, ते ये मेरी सेकंड अक्रैलिक पेंटिंग आ। सो तुही देख सकते हो कि जिहड़ी मैं फोटो रेफरेंस दे विच लगाई हुई है, जिहड़ी फोटो मैं रेफरेंस ना लै रहा हाँ वह भी फोटो। सो मैं पूरी दी पूरी कॉपी नहीं करांगा, जिहड़ी रेफरेंस फोटो आ, जिहड़ी बैकग्राउंड वगैरह मैं अपने हिसाब ना अलग तरीके ना बना रहा हाँ। बाकी हर एक चीज़ जिहड़ी आ, एक फोटो आ वाली रेफरेंस सीगा, ते एक मेरे घर दे विच बाबा जी दी ऑलरेडी एक फोटो सीगी, वो दोवां ये वाली फोटो ते वह वाली फोटो नूं मिला के मैं दोनों दी रेफरेंस लैके ही जिहड़ी ये पेंटिंग बना रहा हाँ। तो यार मैनू ना यार बेस्ट चीज़ पता की लगती है अक्रैलिक पेंट की, जिहड़ी मैनू बेस्ट खूबी लगती है कि बहुत जल्दी ना सुक जाते हैं, मतलब 2 मिनट के अंदर ये ड्राई हो जाते हैं, तो तुम सैकेंड लेयर अप्लाई कर सकते हो, जिहदे नाल तुहाडी पेंटिंग जिहड़ी आ तुसीं जल्दी तो जल्दी खत्म कर सकते हो। हालांकि मैं ऑयल पेंटिंग जो करता सीगा, एक दो बारी किते मैं उस प्रॉब्लम यह सीगा कि उस एक एक दो दो दिन सुकदे ही नहीं पेंट, तो इस करके बहुत टाइम टेकिंग आते। अक्रैलिक पेंट तो मेरी पकड़ भी अच्छी है, तो जल्दी ड्राई भी हो जाते, जिहदे नाल यह है कि पेंटिंग मैं आज 4 या 5 दिन के पूरी कंप्लीट की आ वाली पेंटिंग। सो तुम देख सकते हो कि कितना टाइम टेकिंग प्रोसैस होंगे एक पेंटिंग बनाना, बिकॉज ये जी मैं वीडियो ना 2x से की है, स्पीड यदि डबल की हुई है, तो रियल दे 4 या 5 दिन लग गए थे मैंने इस पेंटिंग बनाने लगे। तो ही जी पेंटिंग है ना जी ज़्यादा कॉस्टली होंदिया ने, तो महंगी विक जड़िया सैल करते हैं लोग, बिकॉज बहुत ही टाइम टेकिंग आ। ये तो 4 दिन लोग तो एक एक महीना लगा लेंगे एक एक पेंटिंग, तो यह मैं सारी रिकॉर्ड भी नहीं की, ठीक है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स नूं रिकॉर्ड किया, तो इनू 2x की स्पीड के मैं एडिट किया, बिकॉज बहुत वड्डी सीगी, तो हजे मैं अगर पूरा रिकॉर्ड करता तो मैंने लगता पता नहीं किन्ने घंटे की रिकॉर्डिंग बन जाने से, जो कि पॉसीबल ही नहीं मेरे वास्ते सारी की सारी रिकॉर्ड करना। सो ता ही जी ये पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग तुम देखते हो हैंडमेड चीज़ बनी हुई थी, हमेशा वैल्यू ज़्यादा होंगी है, हमेशा वो एक्सपेंसिव ही होगी, बिकॉज वो पिछे ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगी होंगी है। सो यही एक रीज़न है कि जो तुम देखते हो ना कि कई लोग कहें यार इन्नी महंगी, बिकॉज वो पिछे बहुत मेहनत लगी है यार, इस करके वो महंगी चीज़ आ। सो ये वाली पेंटिंग भी मैं जी बनाई है सैल करने के परपस नाल ही बनाई है, एक ये वाली तो एक इस तो पहली। सो ये 2 पेंटिंग जड़िया मैं सैल करने के परपस नाल बनाई, तो मैं होर भी बनावांगा अगे बाबा जी की होर भी पेंटिंग्स इस तो बाद भी, बिकॉज मैनू काफ़ी अच्छा रिस्पोंस मिले, बिकॉज जो मैं शॉर्ट्स अपलोड किए मेरे सबसक्राइबर भी काफ़ी इनक्रीज़ हो, पिछले 4-5 दिन के 100 सबसक्राइबर वध गए ने मेरे, तो 500 सबसक्राइबर होने के मेरे सिर्फ 12-13 सबसक्राइबर जोड़े रह गए ने, 12-13 सबसक्राइबर होने जोड़े मेरे रह गए ने, तो मेरे 500 सबसक्राइबर्स हो जाएंगे। सो काफ़ी मैनू ही एक हुंगारा है मिले, तो मैं भी हूँ अगे होर बनावांगा बाबा जी की पेंटिंग, तो मेरी उम्मीद कोशिश मेरी यही है कि मैं सैल करा किसी ना किसी तरीके दे नाल। सो पेंटिंग अपनी लास्ट जड़ा पार्ट आ उही रह गया, एक लोअर पोर्शन रह गया, तो एक बैकग्राउंड का पोर्शन रह गया इस पेंटिंग का, तो ये मेरा बेसिकली 3रा दिन सेगा पेंटिंग का जड़ा मैं हूँ पोर्शन बना रहा, तो तुम देख सकते हो कि टाइम लगता पेंटिंग नू। ते इस पेंटिंग की मैनू बैकग्राउंड के काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज मैनू ना विजन क्लीयर नहीं सीगा कि बैकग्राउंड मैं किस कलर की करा, क्योंकि मैं तुम्हें कहा सीगा कि मैं एग्जैक्ट फोटो रेफरेंस नहीं लै रहा बैकग्राउंड के, मैं कुछ डिफरेंट करा। सो पहला मैं लैमन शेड करती, बट जो मैं लैमन शेड करती मैं लगा यार कुछ ना चीज़ मिसिंग आ ये। सो फिर मैं उपर ब्लू कलर के नाल पैटर्न बनाने शुरू करते, वो भी मैंने चंगा नहीं लगा, तो उस तो बाद मैं फिर इनू दोबारा लैमन किया, फिर भी मैंने लगा सी यार कुछ ना कुछ मिसिंग आ। वो कहते ना कि जो तुम कोई चीज़ करते हो तो वो विजन उदो ही क्लीयर होंगी है जो तुम उन्होंने कर लग पेंदे हो, स्टार्टिंग क्लीयर नहीं होंगी। सो जो मैं कर रहा सीगा फिर मैंने एक होर आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनू ब्लू स्काई ब्लू तो डार्क ब्लू दोवें मिक्स करके एक बैकग्राउंड बनावा, तो फिर मैं जो वो अप्लाई की तो वह सारा वधिया लगी, तो मैनू भी वधिया लगी, मैं क्या यार हुण आ तुसीं देखो बैकग्राउंड जिहड़ी मैं ब्लू तो डार्क ब्लू की हुई है। सो हुण टाइम अपने साइन करन दा, वैसे मैं साइन यार कदी मैं
साइन दे विच मैनू ये है कि मेरा कोई वो परमानेंट सिग्नेचर नहीं है पेंटिंग वास्ते, मैं जो भी जो मर्जी बना लैंदा हुण इच मैं टी ते एस लिख दिता। तो हालांकि कई आर्ट मोस्टली आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर हुंदा, मेरा कोई है नहीं गा। तो तुहानूं पेंटिंग यार किदां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, तो ठीक है वधिया लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आ, तुहाडे कहड़ा पैसे लगन डे। सो आप जड़ियाँ दो पेंटिंग्स ने, एक आ बाबा दीप सिंह जी दी, ते ये तो पहला मैं आ पेंटिंग बनाई सीगी। सो ये दो पेंटिंग अपनी हो गई डन, हुण अगली वीडियो च अगली पेंटिंग च मिलांगे। टिल दैन थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा।